हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा और आप सभी का हमारे चैनल चलो लर्न करते हैं में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डू डज डिड का यूज़। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे डू का यूज़ कहाँ होता है। तो डू का यूज़ होता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। ओके, और डज का यूज होगा ही, सी, इट एंड सिमिलर नाउन के साथ। डू और डज का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, जबकि डिड का यूज होता है पास्ट टेंस में। तो डिड के यूज़ के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, सबसे पहले हम डू और डज का यूज़ देख लेते हैं का कैसे किया जाता है। ओके, देखिए क्या होता है कि डू, डज और डिड वो हेल्प करते हैं किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने में या फिर क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनाने में। ओके, डू, डज, डिड से हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और क्वेश्चन वाले सेंटेंस जिन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं वो बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, फर्स्ट है यू वॉश क्लॉथ्स, तुम कपड़े धोते हो। ठीक है, तुम कपड़े धोती हो चाहे धोते हो। अब इसे अगर हमें निगेटिव में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए यू के साथ डू लगता है तो यू डू नॉट वॉश क्लॉथ्स। ठीक है, तुम कपड़े नहीं धोते हो, यू डू नॉट वॉश क्लॉथ्स। अब डू नॉट को हम शॉर्टकट में डोंट लिखते हैं, ये अच्छा भी लगता है बोलने में और शॉर्टकट में हो भी जाता है डू नॉट का डोंट। और यू में दोनों ही आ जाते हैं, मेल फीमेल, यू से ये पता नहीं चलता कि मेल है या फिर वो फीमेल है जब तक कि हम इंडिकेट करके ना बताएं। तो इस तरह से हम यू डू नॉट वॉश क्लॉथ्स निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और अगर हम इसमें क्वेश्चन लगा देते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाते हैं, अगर क्या तुम कपड़े धोते हो, Do you wash clothes? तो देखिए यहाँ पर negative सेंटेंस बना और फिर interrogative यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस भी बन गए। ओके, तो ये तो रहा फर्स्ट एग्जाम्पल। चलिए अब does का यूज़ सीखते हैं। तो does के लिए मैं सेंटेंस वही यूज़ करूँगी wash clothes, लेकिन यहाँ मैं you की जगह रख दूँगी see, या फिर ही आप कुछ भी रख सकते हैं। सी वॉश क्लॉथ्स, वह कपड़े धोती है। तो सी वॉश क्लॉथ्स में देखिए यहाँ ही, सी, ईट और नेम के साथ डस का यूज़ होता है, डू का यूज़ नहीं होता है। तो वह कपड़े धोती है, अगर इसको अगर हम निगेटिव बनाएं तो फिर हो जाएगा सी डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, क्योंकि यहाँ सी आया है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, वह कपड़े नहीं धोती है। अब इसी तरह हम इसे शॉर्टकट में जैसे हमने डू को डोंट किया था, डू नॉट को, वैसे ही डज नॉट को डजंट लिख सकते हैं, सी डजंट वॉश क्लॉथ्स, वह कपड़े नहीं धोती है। अब अगर हम इसे क्वेश्चन वाले सेंटेंस में चेंज करना हो, क्या वह कपड़े धोती है, तो यहाँ पर हो जाएगा डज सी वॉश क्लॉथ्स। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज सी वॉश क्लॉथ्स, क्या वह कपड़े धोती है। तो इस तरह से डू डज का यूज़ हो जाएगा क्वेश्चन वाले सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि डू या फिर डज वो सेंटेंस के पहले आता है। ओके, हमें यहाँ ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ डज का यूज़ होगा और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू का यूज़ होगा। इसमें मैं और भी एग्जांपल्स बताऊंगी आगे जो कि बच्चों के लिए होगा, पहले डिड का यूज़ देखते हैं। तो डिड का यूज़ होता है ही, सी, इट, नेम, किसी का नाम हो, आई के साथ, वी के साथ, यू, दे, सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ। यानी जहाँ जहाँ डू और डज यूज़ होता है वहाँ डिड का यूज़ होता है सभी में, लेकिन डिड का यूज़ होगा पास्ट टेंस में जो कि बीता हुआ कल है। वहाँ पर जैसे हमने कुछ किया तो वहाँ पर हम डिड का यूज़ करेंगे। अब चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं इसका। तो जिस तरह से डू डज का यूज़ होता है निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में, वैसे ही हम डिड का भी यूज़ निगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वाले सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। जैसे सेंटेंस है, मैंने तुम्हें बुक्स दिया, किताबें दी, मैंने तुम्हें किताबें दी, तो आई गेव यू बुक्स हो जाएगा। यहाँ गिव का पार्ट वर्ब टू आ जाएगा, ठीक है, गिव, गेव, गिवेन होता है तो यहाँ गेव हो जाएगा। ओके, अब इसी का हमें अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हो जाएगा आई डिड नॉट गिव यू बुक्स। अब देखिए ये गिव का फर्स्ट फॉर्म यानी गिव ओरिजिनल रूप में आ गया, यहाँ गेव नहीं होगा,
सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा वर्ब का। तो आई डिड नॉट गिव यू बुक्स, अब इसी का हमें डिड नॉट को ही हम डिडंट लिख देंगे। आई डिडंट गिव यू बुक्स, जैसे डू का डोंट हुआ था, डज का डजंट, वैसे ही डिड का डिडंट हो जाएगा। आई डिडंट गिव यू बुक्स। अब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो हो जाएगा डिड आई गिव यू बुक्स, क्या मैंने तुम्हें बुक दिया, और जब डिडंट हो जाएगा तो इसका हो जाएगा कि मैंने तुम्हें बुक नहीं दिया। तो इस तरह से हम डिड का यूज़ करते हैं। लेकिन बच्चों के लिए है तो बच्चों के लिए हम ऐसे एग्जांपल्स में दूंगी कि जिससे उन्हें समझ में आए। तो फिर चलिए देखते हैं वो क्या एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल्स को समझने के लिए थोड़ा डीपली समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने पहले सब बता दिया। अब एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहला है हमारा, डू यू ईट चॉकलेट्स, क्या तुम चॉकलेट खाते हो। तो इसमें या तो बच्चे को आएगा फील करने के लिए, या फिर अगर कोई पूछता है उनसे तो वो कैसे जवाब दें, तो वो जवाब देंगे, या फिर फील करने को अगर उन्हें आए तो फिर वो लिखेंगे येस आई डू, केवल उन्हें यही लिखना है येस आई डू। तो डू का यूज़ हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा जाएगा येस आई डू, हाँ मैं चॉकलेट खाता हूँ, इसका मतलब ये हो गया। अब सेकंड एग्जांपल्स है, डज योर ब्रदर गो टू स्कूल, क्या तुम्हारा भाई स्कूल जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर हो गया सिंगुलर नाउन आ गया योर ब्रदर, ठीक है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पर हम डज का यूज़ करेंगे। देखिए क्वेश्चन में भी डज है इसलिए डज दिया हुआ है, तो बस क्या लिखना होगा येस ही डज, मतलब हाँ वह स्कूल जाता है, तो इसे बस यही लिखना है येस ही डज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू डॉग्स बार्क, क्या डॉग्स भौंकते हैं। तो इसका आंसर कैसे फील करेंगे, तो इसका आंसर फील करेंगे येस दे डू, केवल इतना ही, ठीक है येस दे डू। अब यहाँ डॉग्स है ना, बहुत सारे डॉग हैं, इसलिए यहाँ क्या यूज़ हुआ, दे का यूज़ हुआ, तो येस दे डू। अब है डू बर्ड्स फ्लाई, क्या पंछी उड़ते हैं, मीन्स बहुत सारे पंछी हैं, तो इसे कैसे फील करेंगे येस दे डू, यहाँ भी बर्ड्स से बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ भी दे का यूज़ हो गया येस दे डू। अब पास्ट टेंस की बात करते हैं जिसमें डिड का यूज़ होता है। तो जैसे डिड यू प्ले गेम, क्या तुमने गेम खेला, तो क्या हो जाएगा, क्या फील करेंगे येस आई डिड, और अगर इसका ना में जवाब हो तो नो आई डिडंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू रीड दिस बुक, क्या तुमने ये बुक पढ़ा, तो हम अगर फील करना चाहें तो नो आई डिडंट, मतलब नहीं मैंने नहीं पढ़ा। तो यही कुछ एग्जांपल्स थे फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा, आप उन्हें अच्छे से समझा पाएंगे, वीडियो से हेल्प मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को, जो कि रेड कलर में बटन है उसे आपको प्रेस करना है। मैं बच्चों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहती हूँ। बेसिकली ये क्लास 2 के लिए था, इसमें सिलेबस में ये था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे भी डाल देती हूँ, इसलिए मैंने ये डाल दिया वीडियो डू डज और डिड पर। ओके फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।